कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हमारा सारा काम जो है वो हो चुका है, और तो बाहर ना अभी कुछ काम हो रहा है, वो मैं जब आपको बाहर जाऊँगी तो दिखाऊँगी। घर में कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। तो अभी जो है मेरी पूजा वूजा हो चुकी है और मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर देते हैं और आपसे बातें भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ना एक दो साड़ी में मुझे फॉल लगाना था, तो मैंने सोचा उसको भी कर लेते हैं इसी टाइम बैठे बैठे। और तो बस यही सब काम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा फ्रेंड्स, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम ना एकदम ऊपर वाले छत पे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है आपको। अभी घर को ना पेंट कराया गया है, तो अभी पेंट का काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मिस्त्री भी आ नहीं रहे हैं, तो जब आएंगे तब होगा। बाकी लगभग पेंट जो हो चुका है, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं नीचे, तो मैं आपको ना नीचे चल के दिखाऊंगी। मैं डायरेक्ट ऊपर ही आ गई क्योंकि मुझे ना एक कंबल था वो डालना था छत पर, तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ। और कपड़े भी धुलने थे तो कपड़े मैं बाद में धुलूँगी। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे जो बगल में ना यहाँ पे देखिए घर बन रहा है, तो यहाँ पे ना मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो रहा है इस साल। तो मुझे लग रहा है कि इस साल क्या 2-3 साल से कुछ ज़्यादा ही घर बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया है। नहीं तो पहले यहाँ कभी एक घर भी नहीं दिखता था, हम लोग को लगता था कि हम लोग जंगल में रहते हैं, कैसे रहेंगे क्या। लेकिन अभी तो इतने सारे घर बन गए ना कि मतलब एकदम जैसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा घर भी नहीं ऐसे लगते हैं। और लेकिन अब बन गया है, सबकी ज़मीन है तो क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखिए मतलब कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी कि कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे हरियाली हो। हरियाली क्या, हरियाली है थोड़ी बहुत है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि खुला हुआ हो, अच्छा लगे दिखने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम नीचे, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। और यहाँ हमारी जो गौ मैया है ना, वो पानी पी रही हैं। गौ मैया पानी पी लो, हम लोग ना यहाँ पे पानी रख देते हैं जिससे कि गाय वाय पानी पी ले। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाना है कि जो हमारा जो नीम का पेड़ है ना, वो ये देखिए ये पूरा का पूरा कट चुका है, पूरा कट चुका है, और अंटी वाला भी कट गया है। तो एकदम जैसे सोसाइटी एकदम एकदम साफ सुथरा लग रही है, मस्त लग रहा है। और ये तो आपने देख ही लिया है शॉर्ट वीडियो में कि हमारे घर पे जो है ना पत्थर लग रहा है अभी, मतलब सीढ़ियों पे पत्थर लग रहा है, तो इस कलर का पत्थर है। कटिंग भी हो गई है, ये गाय मेरे को मारने आ रही है। बाय बाय गौ मैया, जय गौ मैया। मम्मी हाय रे। सो गाइज, यहाँ पे बन रही है ड्राइंग नंदनी की, नंदनी के स्कूल का काम है ना। क्या बनाने के लिए दिया है, क्या मिला है ये बनाने के लिए? फिगर क्या है, नाम तो होगा कुछ, नाम तो बताओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गाइस आपको वीडियो मिलेगा आप दिसंबर में या न्यू ईयर में। अच्छा वीडियो बनता है, बेइज्जती करना है। 10 अभी दिसंबर में या जनवरी में मिलेगा आपको गाइस। इनसे बात कर बेकार है। और यहाँ पे अभी ना जो पत्थर है वो इतने लग चुके हैं, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया ही है कि हमारे यहाँ पत्थर लग रहा है। और यहाँ पे अभी ना थोड़ा बहुत काम हो चुका है, बाकी जो काम होगा वो कल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पत्थर लगाया जा रहा है, और ये दरवाज़ा भी ना इसकी वजह से काटना पड़ा है, क्योंकि पत्थर जो है बहुत थोड़ा ऊंचा था, तो इस वजह से थोड़ा दरवाज़ा काटना पड़ा। और सही भी है, और अभी सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पनीर भुर्जी बनाने। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये जो पनीर है हमारी, ये हमारे पास आई कहाँ से। ये पनीर हमने जो मलाई होता है ना उसका मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने के बाद उसमें पानी बचा होता है ना, उसी से हमने ये पनीर निकाला है। बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, निकालना भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो पनीर है ना, इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकली है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो चलिए हम चलते हैं पनीर भुर्जी बनाने।
सो फ्रेंड्स, हमारी जो पनीर भुर्जी थी ना, वो बन करके एकदम तैयार हो गई है। बहुत ही गजब बनी है, बहुत ही गजब। इसमें पता नहीं कैसे आ रहा है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मैंने ढक दिया और गैस को बंद कर दिया। अब रोटी बनेगी तो खाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी जो पनीर भुर्जी है वो इस तरीके से बन के तैयार हुई है, और रोटी के साथ हम खाएंगे गरम गरम रोटी और